ये सरपंच अंग्रेजी का, मैं हिंदी में है, कौन सी है सरपंच का? सरपंच जी कहाँ से निकली है? ये हिंदी का शब्द है क्या? तो सीधा सा है कि जो 300 यूनिट बिजली उससे कम उपभोग करेगा उन सबको जो है आम आदमी पार्टी बिल्कुल फ्री देगी, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर कई जगह ऐसा भी देखने में आता है कि आज जैसे मान लीजिए संजीव जी का घर है, दो भाई तीन भाई इकट्ठे रहते हैं, इनका मीटर बिजली का एक है, अगर मीटर बिजली के अलग हो जाते हैं तो उसका लाभ अलग अलग यूनिट को भी होगा। तो बहुत लोग ऐसे वो भी करते हैं। तो हमारा तो सीधा सा है कि जिसका मीटर अलग है और 300 यूनिट से कम है तो उसको फ्री बिजली दी जाए। हमारे जीरो बिल आप पूरे उसमें देख सकते हैं, हमने वो बिल जनता के बीच में जा कर के बांटे, जनता के सामने बात रखी। साथ साथ जो ये FSA है, जो एक तरीके का जजिया कर है, स्मार्ट मीटर है, वो भी लोगों के बीच में बात लेकर के गए। जगह जगह बिजली बिल जो बड़े बड़े बिल आते हैं 75,000, 39,000, 5-7,000 से तो कम मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी घर का आता होगा जिसके अंदर TV चलता हो, फ्रिज चलता हो। तो गरीब आदमी भी आजकल तो TV और फ्रिज तो सबको आवश्यकता है। तंवर साहब, आम आदमी पार्टी की जब 2.5 लाख की सेना गाँव में शहरों में सड़कों पे उतरेगी तो मुझे नहीं लगता कि मुकाबले में कोई और होगा। बाकी कोई और वो अपने प्रयास कर सकता है, लेकिन लोग मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का साथ देंगे और प्रदेश में झाड़ू चलाएंगे। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो कई कई गुना बढ़ गया, कोई कॉरपोरेशन, नगर पालिका, नगर परिषद ऐसा नहीं है जहाँ बिना काम करे काम कोई होते नहीं है। कंस्ट्रक्शन के उसके पैसे उठा लिए जाते हैं, जांच होती है तो जांच ऐसे ही लिपापोती हो जाती है। माफिया अभी हरियाणा के अंदर, माइनिंग माफिया हो, लैंड माफिया हो, नशा माफिया हो, दारू माफिया हो, माफियों का बोलबाला है और इसलिए अपराध बढ़ रहा है, अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। पार्टी मजबूत होती है, पार्टी की सरकार बनती है, कोई मुख्यमंत्री भी बनेगा, कोई मंत्री भी बनेगा, कोई विधायक और सांसद भी बनेंगे। बात इसकी नहीं होती, बात ये होती है कि हमारा एजेंडा क्या है देश के लिए, लोगों के लिए, वो महत्वपूर्ण है। और जो मेहनत करेगा मैं समझता हूँ कि उसको तो पार्टी अपने आप वो करेगी। ये नहीं है कि अब कांग्रेस में क्या होता है, मैं बन जाऊँ, ये जो मैं कर रहे हैं ना, अभी घूम रहे मैं करते हुए, अगर इन्होंने एक ने भी अगर संघर्ष किया होता, जितनी मेहनत अभी कर रहे हैं ना उतनी भी करने की जरूरत नहीं, इनको घर बैठे हम सत्ता में बिठा देते। लेकिन उस समय इनकी जो नेगेटिव अप्रोच थी, जो गलत मानसिकता थी, टांग खींचने की जो थी, आज उसी की वजह से अरा वो कहते हैं वो पानी मुल्तान चले गए, अब तो वो वापस दो आना ही नहीं है। और ये जो सारे साथी हैं अपने आप सरकार बनाएंगे। स्कूल की व्यवस्था जोड़ दें, क्योंकि अगर अच्छे स्कूल बनाते हैं तो कोई क्यों प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजना चाहेगा। ऐसे ही अगर अच्छे अस्पताल बना दिए जाते हैं तो प्राइवेट में इलाज कराने के बजाय वो सरकारी में आएंगे। तो टोटल मिला करके अगर साधारण परिवार का हम देखें तो महीने का कम से कम 15-20 हज़ार रुपया वो बचता है। तो इतना बहुत होता है। एक तरफ सरकार राशन कार्ड तक काटने में लगी हुई है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी वो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचाना चाहती है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का रुझान भी बढ़ा है, विश्वास भी बढ़ा है। और 2024 के अंदर
वो विश्वास मैं समझता हूँ कि राजनीतिक जो है वो सफलता में बदलेगा, इलेक्टोरल सक्सेस में बदलेगा और आम आदमी पार्टी को कामयाबी मिलेगी। मुद्दे और भी बहुत हैं जो विधानसभा में उठने चाहिए, क्योंकि हम तो विधानसभा के बाहर हैं। तो कल आम आदमी पार्टी का नौजवान जो हमारे हैं छात्र इकाई है, वो सब लोग मिलकर के प्रोटेस्ट करेंगे सीईटी मामले पर, रोजगार के मामले पर, और भी जो दूसरे मुद्दे हैं, जो महिला उत्पीड़न का मामला है एक मंत्री के द्वारा, उसके ऊपर भी पार्टी ने पहले भी बहुत मुखर होकर के आवाज़ उठाई है। तो वो भी हम यही सरकार से कहेंगे कि या तो दोषी के ऊपर कार्रवाई हो तुरंत, अन्यथा उस मुद्दे के ऊपर भी हमने प्रोटेस्ट के लिए जो पुलिस विभाग है उसको लिखा है कि हम आम आदमी पार्टी उस मुद्दे के ऊपर भी प्रोटेस्ट करने का काम करेगी। पार्टियां तो देश के हैं जिन्होंने 60 साल में इसरो की स्थापना करी, स्पेस में रिसर्च करी इतनी किफायत के साथ। मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर ये किसी कोई और इसका क्रेडिट लेना चाहता है तो वो क्रेडिट लेने की कोशिश ना करे। वो इसलिए कोशिश ना करे कि नासा अपने स्पेस रिसर्च और उसके ऊपर स्पेस का जो प्रोजेक्ट उनका चलता है उसके ऊपर हर साल करीबन 2,00,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। हमने आज जब से 62 साल में बना है इसरो, उसके ऊपर टोटल हमने आज तक जो पैसा खर्च किया है वो करीबन 125 से लेकर के 130-140 करोड़ रुपए खर्च किया। उनका एक साल का जितना बजट है, हमारा 60 साल का उतना बजट नहीं है। और आज हमने सबसे पहले जो है साउथ पोल में लैंडिंग करी वहाँ पर, और बहुत सक्सेसफुल लैंडिंग हुई। ये नए रास्ते खोलने का काम करेगा और मैं समझता हूँ कि भविष्य में जो है पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वो स्पेस के सेक्टर में इंडिया के साथ पार्टनरशिप करने के लिए वो होंगे। वो लोग जो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं वो अंतरिक्ष का, मून का, वहाँ का वो मामला ना देखें, जमीन पे जो काम किया है उसका क्रेडिट। क्या हमारी सड़कें पक्की होगी? क्या यमुनानगर से लेकर के दिल्ली तक का जो एक हमेशा बात होती है कि एक नया हाईवे बनेगा, कितनी बार बीजेपी ने उठाया 10 साल में, उससे पहले कांग्रेस ने भी एक दो बार बात छेड़ी थी, उसके बाद तो साफ ही हो गए। अब ये पता नहीं इन्होंने ये तो बात छेड़ना भी बंद कर दी, ये भी साफ होने के उसमें। अच्छा, आप ये सही में आएगा? नहीं, परिवर्तन प्रदेश में आएगा ही। अब वो परिवर्तन का सूत्रधार कौन होगा, उस परिवर्तन को कौन लेके आएगा, वो किसके पक्ष में होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन हमें ये लगता है कि आम आदमी पार्टी को 2024 में हरियाणा की जनता जैसे दिल्ली और पंजाब में मौका दिए वैसे ही मौका देगी। साथ साथ लोकतंत्र के अंदर कोई भी अगर पार्टी ये महसूस करती है कि हमें अपना भविष्य सुधारना है, संवारना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। पदयात्राएं, लाठीचार्ज, संघर्ष, आंदोलन, प्रदर्शन, इसके लिए तो जितने लोग करें, आज किसान, मजदूर, कर्मचारी, नौजवान, आए दिन कोई ना कोई करता है। अगर ये पार्टी कर रही है तो अच्छी बात है। आपको वोट देने वाले राक्षस है ये तो मैं नहीं कहता, क्योंकि जिनको वो राक्षस की संज्ञा दे रहे हैं उन्हीं ने उनको भी कभी वोट दिया था। तो वोट एक बार ना दे, किसी को दो बार ना दे तो वो राक्षस बन जाता है। मैं तो उससे वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो लोग रोड़ा, ईंट, पत्थर, सीमेंट, लकड़, बजरी सब खा जाते हैं, बड़े बड़े लाखों हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए, वो राक्षस हैं। और वो दोनों पार्टियों में बैठे हैं, बीजेपी में बैठे हैं, कांग्रेस में बैठे हैं। और राक्षसों का इलाज जो है वो प्रदेश की जनता करेगी, और जब मौका मिलेगा तभी करेगी, जल्दी से जल्दी करेगी। इस बार हाँ, ये आप ठीक बात पे आ गए हैं कि आज तक कार्रवाई नहीं हुई। आज तक कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि जिन्होंने 10 साल में किया था वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि भाई हमारे प्रधानमंत्री हमारे मित्र है, गृह मंत्री हमारे मित्र है, मुख्यमंत्री हमारे मित्र है, तो सब लोग मित्रता निभाने में लगे हुए हैं। जनता के प्रति जवाबदेही, देश के प्रति हमारी कर्तव्य निष्ठा, वो कोई नहीं देख रहा है। तो एक बार एक घोटाला करता है, दूसरी बार दूसरा घोटाला करता है, इसलिए वो कैसे एक दूसरे को जेल में भेज सकते हैं? आम आदमी पार्टी जो निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करेगा, और जेल में उनको भी भेजा जाएगा
जो अच्छे से काम करने में लगे हुए थे, चाहे अच्छे स्कूल बना रहे थे, अच्छे अस्पताल बना रहे थे, उनको भी जेल भेजने का काम किया। तो अगर मैं समझता हूँ कि सांठगांठ नहीं होती तो अभी तक तो कांग्रेस के कई हजार लोग जेल में होते, कई हजार। जब अभी जो राष्ट्रपति हैं वो आए 10-15 साल पहले, उन्होंने कई हजार लोगों को, करीबन 3,500 लोगों को जेल में डाल दिया जितने भ्रष्ट थे। हमारे यहाँ बताओ, एक दो लोग गए वो भी छूट के आ जाते हैं, पहली बात तो कोई जाता नहीं। और इसीलिए लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में जो सत्ता में बैठ जाता है वो फिर माल खींचना शुरू कर देता है, तो दूसरा उसके साथ सांठगांठ कर लेता है, वो आवाज़ नहीं उठाएगा, वो उसको जेल में नहीं डालेगा। इसी के अंदर पूरा इस कुचक्कर में जो है जनता पिसती है, जनता मारी जाती है, और जनता इसीलिए जो है आज भी गरीब देश में रह रही है। हम कह रहे हैं ना हमारे इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, और ट्रिलियन की इकोनॉमी बड़े बड़े महापूंजीपतियों के लिए होगी। जिस दिन इस जनता के लिए वो ट्रिलियन की इकोनॉमी काम करनी शुरू कर देगी, उस समय मैं समझता हूँ तो पार्टी क्या ऐसे करें। पंजाब में हमने बहुत शिकंजा कसरे हैं, पंजाब में जिन लोगों ने नाजायज जमीनों के ऊपर कब्जे करे हुए थे, गड़बड़ से वो कब जमीनें ली हुई थी, उनको आते ही वार्निंग दी गई, बहुतों ने छोड़ दी, और जिन्होंने नहीं छोड़ी है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। सर देखिए, हमारा मिशन एक ही है कि आज जो प्रदेश में एक बदलाव का माहौल है, वो हमारी मेहनत से, हमारे कार्यकर्ताओं की, नेताओं की जो अथक प्रयास है, वो विश्वास हम जीत के वो करें। बाय डिफॉल्ट कि भाई एक को भेजना है तो दूसरा आ जाए, कांग्रेस इसी मुगालते में बैठी हुई है आज भी, बिना संगठन के वो काम करने में लगे हुए हैं। उनकी गुटबाजी, अनुशासनहीनता आप देख ही रहे हो, उनको ये लगता है कि हम ऐसे ही आ जाएंगे, तो ऐसे कुछ नहीं आएगा। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो हर मुद्दे को लेकर के जनता के मुद्दे उठा रही है, सड़कों के ऊपर संघर्ष कर रही है, और जमीनी स्तर पर 2.5 लाख हम पदाधिकारी बनाने में लगे हुए हैं। अगले 2 से 3 महीने के अंदर हमारे 2.5 लाख पदाधिकारी वो हरियाणा की सड़कों के ऊपर भी होंगे, वो संगठन का निर्माण भी करेंगे, वो मजबूत इलेक्शन मशीन भी तैयार करेंगे। तो ये तभी तक है जब तक आम आदमी पार्टी का संगठन तैयार नहीं हो जाता पंचायत लेवल तक। बाकी तो हो गया, हमारे जिले बन गए, हमारे प्रदेश की कमेटियां बन गई, हमारे ब्लॉक की कमेटियां गठित होगी, हमारे सर्कल कमेटी का निर्माण कार्य जारी है जो अगले 2-4 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा, जल्दी उनकी भी घोषणा होगी, सभी विभाग और प्रकोष्ठ हमारे बन गए। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक समय इस तरह का संगठन बना था, लेकिन अब जब उनके लोगों को ये लगता है कि भाई ये सरकार विफल साबित होगी, तो या तो वो सारे ठंडे पड़ गए लोग, या फिर वो उतने मोटिवेटेड होकर के काम नहीं कर रहे, और उनको कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया है कि हमारी सरकार जा रही है। ऐसे में आप लगातार देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का जो परिवार है वो लगातार बढ़ भी रहा है, और बहुत जोश खरोश के साथ वो जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं। सर मैं तो हमेशा मेहनत का मुकाम करने वाला हूँ, उसी चक्कर में तो मैंने कांग्रेस छोड़ दी थी कि भाई जिन्होंने मेहनत करी है उनका साथ दो, तो हमारी तरफ से तो पूरा होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी मैं समझता हूँ कि खुद इस बात को महसूस करती है, हाँ कहीं लीडरशिप का अभाव होगा तो उसमें विचार भी किया जाएगा, कोई दूसरा अगर योग्य व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, लोग चाहते हैं तो उनको भी। लेकिन आपकी बात ये ठीक है कि बहुत से लोग जो है वेटिंग में तो बहुत है, राजनीतिक लोग जो पुराने हो जाते हैं ना, पुराने चावल जिनको कहते हैं, वो बहुत शाने हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा पुराने टाइम में बसों में हम जाते थे तो खिड़की से जो है ना बैग फेंक देते थे, या अपना एक गमछा फेंक देते थे, मेरी सीट है, ऐसा करते थे ना। तो ये कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले से ही अपनी सीट रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ जो है वो बैग बुक सारे इकट्ठे साइड में फटक देते हैं, अंदर देखते हैं भाई जो पहले घुस गया पहले उसको बिठाओ, भाई इनको बैठाओ, बाकी को खड़े रखो। मजबूत जनाधार वाले बैठे, जहाँ सही तरीके से सही रास्ते से मामला ना मिले तो और कोई रास्ता, यही हो रहा आजकल, स्टेट गवर्नमेंट ऐसे ही कर रही है। चीफ सेक्रेटरी रिटायर हो जाता है तो उसको एडवाइजर लगा देते हैं, वही हरियाणा में हुआ, वही पंजाब में हुआ, अब ये सेंटर में भी हो गया। उन लोगों ने क्या गुनाह किया है जो सरकार की चमची नहीं मारते लेकिन सीनियरिटी जिनकी बन जाती है, तो ये बहुत ही
दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करके आईएएस आईपीएस बनता है, किसी और सर्विसेज में आता है और वो सीनियरिटी ये देखता है, उसमें तो कैलकुलेशन होती है कि अब मेरी सीनियरिटी बन गई, अब मैं इस पद पे बैठूंगा। एक्सटेंशन एक्सटेंशन एक्सटेंशन, चार चार पांच पांच लोग जिनको टॉप पोजीशन का लाभ मिल सकता था, उनके तजुर्बे का लाभ मिल सकता था, वो कुछ नया करके दिखाते, वो करने का मौका ही नहीं दे रही है सरकार। ना तो मेरे को इस चीज़ की जानकारी है क्या किस संदर्भ में खुली है, क्या उसके पीछे का वो है, किसी इंडिविजुअल की कोशिश है या वो सरकार की पहल है, मुझे तो नहीं लगता सरकार को। वो तो किसी ने लाइसेंस लिया होगा, लाइसेंस लिया होगा उन्होंने महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव कर दी होगी। तो ये कुछ मामले पॉलिसी डिसीजन होते हैं। और मैं इतना ही कहूँगा, कल मैं रेवाड़ी में था, नहीं मैं गंभीरता के साथ उस बात का जवाब दूंगा, जिस पॉलिसी को दिल्ली में इन्होंने कहा कि गलत पॉलिसी है, कल रात को मैं 12-1 बजे, क्योंकि मैं एक खाटू श्याम के जागरण में गया हुआ था तो लेट हो गए वहाँ से आते हुए, तो एक सामने दिखी बड़ी सी दुकान, तो चश्मे का भी दोष हो सकता है मेरे, तो मैंने एकदम देखा उसमें आधा पेड़ से वो छिपा हुआ था, उसका था डिस्कवरी लिकर वेयर हाउस नाम, तो मेरे को वेयर हाउस दिखा, तो मैंने कहा यार रात को ऐसा कौन सा वेयर हाउस होगा इतना चमक रहा है बिल्कुल, क्योंकि वो उसकी सीध में था जो रोड था। फिर मैंने देखा कवरी कवरी, फिर देखा डिस्कवरी, वो लिकर के ऊपर सबसे बाद में ध्यान गया। तो वैसे ही दिल्ली की पॉलिसी को ही इन्होंने कन्वर्ट करके खुद वो कर दिया, ये खुद करते हैं तो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और देखिए जहाँ तक मामला, या तो ये दो, इसमें दो बातें नहीं हो सकती, घुमा फिरा करके हमें बात करनी भी नहीं चाहिए, पॉलिटिक्स में है तो हमें जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए, या तो जो दारू है वो कंप्लीट बैन हो सकती है, या फिर जो है उसको तरीके से पॉलिसी के तहत वो उसको ख़त्म तो नहीं, अगर बैन नहीं है तो ख़त्म नहीं, जब बैन था तभी नहीं रुकी, आज भी गुजरात में नहीं रुकी हुई है गांधी जी की धरती पे। पर नहीं के बारे में बहुत से लोगों के मन में संशय है और अभी तक सरकार ने उसके ऊपर कोई बहुत, ये चीज़ें पहले पार्लियामेंट में अच्छे से डिस्कशन होने चाहिए थे, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है जो एजुकेशन और HRD स्टैंडिंग कमेटी उसको बोलते हैं, उसमें इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई और अपने तरीके से इसको करने में लगे हुए हैं। तो नई शिक्षा नीति तो पूरा निजीकरण के ऊपर वो है, इससे पूरा एजुकेशन का निजीकरण होगा, कॉमर्शलाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, मेडिकल एजुकेशन का तो आप हाल देख ही रहे हो, सब संस्थाओं के अंदर फीस बढ़ा दी, गरीब आदमी अब नहीं पढ़ सकता है। अब हमारे समय में मैं आपको आज बता रहा हूँ, करीबन 27-28 साल पहले JNU की फीस थी 150 रुपये 6 महीने की, मैथ्स का हम देते थे करीबन 350-400 रुपये, तो 500 रुपये में अगर कोई बच्चा जिसका फालतू का खर्चा नहीं है, जो पढ़ाई के लिए आया है, तो देश का किसी भी कोने से इंटेलिजेंट बच्चा वहाँ पर पढ़ सकता था। लेकिन आज उन यूनिवर्सिटीज़ की भी, IIT की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की भी सब जगह ही तो फीस बढ़ा दी है, और नई जो नीति आई है शिक्षा नीति उसमें तो स्कूलों को भी उसी तरीके से करने हैं, जो स्कूल आज बच्चे कम है उसका प्राइवेटाइजेशन होगा, उसको किसी एक बड़े उद्योग घराने को उनको उठा करके दे देंगे, फिर वो उसके ऊपर मॉडल बनाएगा, कुछ और चीज़ें करेगा। जितना मैं समझा हूँ और जो मैं देखता भी हूँ, आम आदमी पार्टी वाकई में मेहनत करने में और मेहनत करने में विश्वास रखती है, और जो मेहनत करेगा वो आम आदमी पार्टी में आगे बढ़ेगा। यहाँ कोई भी साधारण से साधारण परिवार का व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, यहाँ ये नहीं कि भैया वो 4 पीढ़ी से मेरे दादा के साथ, उसके दादा के साथ, मेरे बाप के साथ, मेरे बेटे के साथ, बस उसकी चमचागिरी करता था तो इसलिए टिकट दे दो, इसके पास इतना काला धन कमाया हुआ है तो जा भाई फलाने के आदमी के पास दे के आ जा, उस आधार पर टिकट हो। यहाँ मेहनत जो कर रहा है उसका भविष्य उज्ज्वल होगा, और उसी के माध्यम से मैं समझता हूँ कि सत्ता के अंदर बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा, और ये परिवर्तन लोकतंत्र के हित में है, देश के संविधान के हित में है, जनता के हित में है। आप दिल्ली और पंजाब उठा करके देखो, थोड़े बहुत लोगों को छोड़ दें हम तो करीबन 80-90% लोग वो बिल्कुल नए लोग राजनीति में हैं,
ये लोग जिन्होंने कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, दूसरी जो रवायती पार्टियां हैं उनके लिए खून पसीना बहाने का काम किया, अपने बच्चों का पेट काट करके उन पार्टियों को जिंदा रखा, मैं समझता हूँ कि अब उनका समय हरियाणा में आएगा, ना कि उनका जिन्होंने लूट लूट के खा लिया और आज भी उनका भरता नहीं है। कहना चाहूँगा, या मुझे अभी जानकारी मिली है कि झोटा बुग्गी और घोड़ा रेडे उसकी भी रजिस्ट्रेशन का मामला आ गया है कि भाई इनकी रजिस्ट्रेशन करवाओ। अरे भाई किस किस की रजिस्ट्रेशन करवाओगे, पता नहीं क्या क्या, कभी पोर्टल, कभी पीपीपी, कभी जो है फैमिली आईडी, कभी प्रॉपर्टी आईडी। अबे झोटा बग्गी और ये वाला नया मामला छोड़ दिया। तो मैं तो सभी साथियों से यही कहूँगा कि ऐसे जो कदम उठाती है सरकार उसका पुरजोर तरीके से सब लोग मिल करके विरोध करें। मैं इतना ही बात कहूँगा कि आम आदमी पार्टी और लोग तो कह रहे हैं लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसको करके दिखा दिया है, दिल्ली में और पंजाब के अंदर वो हमने करके दिखाया लोगों को, दोनों राज्यों में इधर पिछले एक सवा साल में, डेढ़ साल में लाभ मिला है पंजाब में, और दिल्ली के अंदर करीबन पिछले 10 साल से लोगों को लाभ मिल रहा है। तो बाकी के पास मुझे नहीं लगता कि ये जादू है, ये आईआईटी से पढ़े हुए जादूगर अरविंद केजरीवाल जी के पास है। बाकी लोग तो ये सोचते हैं कि कैसे कमाई करो, कैसे छापे डालो, कितने सोसाइटी के केस आपके सामने हैं, और अगर करना होता तो 2014 में हमने एक पॉलिसी बनवाई थी जिसके माध्यम से सारी ढानियों में बिजली जानी थी, उसके लिए उस समय की सरकार से हमने करवाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ढानियाँ हैं वो सिरसा संसदीय क्षेत्र में है, पूर्व क्षेत्र में है, अम्बाला, ये जो नज़दीक का इलाका है पंजाब के लगता हुआ, वहीं सबसे ज़्यादा वो ढानियों का मामला था। 400 करोड़ रुपए की वो परियोजना थी, गुजरात से ट्रांसफार्मर आने थे, गुजरात का प्रधानमंत्री भी बन गया लेकिन फिर भी वो ट्रांसफ़र कभी नहीं आए, वो ढानियों में बिजली नहीं मिली। अब हमने दोबारा मुद्दा उठाया तो सरकार के मंत्री और दूसरे जो भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी हम ढानियों में बिजली देंगे, ट्यूबवेल के कनेक्शन की जब हम बात करते हैं वो कहते हैं हम ट्यूबवेल के कनेक्शन भी दे देंगे। दोनों 10-10 साल में उनको दिखाई नहीं दिए कि कितने कितने पेंडेंसी होगी है। तो लोग इस बात को फ़र्क करते हैं कि कौन केवल बोलता है और कौन काम करता है, अशोक जी दोनों बहुत स्पष्ट है। आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर साहिबान, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष आदर्श पाल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष सुशील जैन जी, भाई संजीव चौधरी जी, हमारे मांगेराम जी, भाई चिंदा जी, हमारे साथी भाई जगवीर जोगना खेड़ा जी, हमारे भाई सुमित हिंदुस्तानी जी अध्यक्ष लोकसभा सुचित्रा, सभी साथी जिलाध्यक्ष अच्छा नगनदीप जी आ गए, नगनदीप जी, हमारे तमाम दूसरे सभी साथीगण, मैं सभी का आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और वैसे तो अलग अलग बहुत से मुद्दे हैं लेकिन आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों पूरे उत्तरी हरियाणा के अंदर खासतौर पे हम बात करें तो बाढ़ की विभीषिका ने पूरा कोहराम मचाया, या बाढ़ नहीं आई वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, चाहे हम यमुनानगर ज़िले की बात करें। तो ऐसे में सरकार को जिस तरीके से काम करना चाहिए था, ना वो बाढ़ में ना किया ना वो बाढ़ के बाद किया। आज पूरे हरियाणा की बात करें तो डेंगू के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। अभी मैं मुस्तफ़ाबाद में भी आज सुबह मेरा कार्यक्रम था और वहाँ भी लेडीज़ ये बात कर रही थी कि जी हमारे बहुत से साथी इसलिए नहीं आ पाए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंगू की बीमारी फैली हुई है। जो पानी आधारित जो बीमारियाँ हैं जो बाढ़ के बाद जनरली होती हैं वो भी और ज़्यादा है, पीछे आई फ्लू भी बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे में प्रदेश की एक बड़ी आबादी वो डेंगू से पीड़ित है। अगर समय पर छिड़काव होता, फॉगिंग होती तो हो सकता है कि इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन सरकार जैसे और हर मुद्दे के ऊपर लापरवाह है,
उसी तरीके से इस मुद्दे के ऊपर भी लापरवाह मिली और आज इसी वजह से जो सामान्य अस्पताल हैं जहाँ जनता लाचार दिखाई दे रही है, वहाँ जो सामान्य अस्पताल हैं हमारे वो भी सुविधाओं के अभाव में लाचार दिखाई देते हैं। जनाजा निकला हुआ है स्वास्थ्य सेवाओं का। तो हम तो यही आम आदमी पार्टी की तरफ से जिला प्रशासन से भी और सरकार से भी ये गुजारिश करेंगे कि इसके ऊपर रोकथाम लगाई जाए। और ये यहाँ का मामला नहीं है, ये पूरे, मैंने जैसा कहा कि अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी उतरा नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, वो तो बहुत ही बुरा हाल है। आज कई जगह हम होकर के आए पूरे, अगर यमुनानगर की बात करें तो हर मोर्चे पे विफल सरकार है। अभी विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ है तो उम्मीद करता हूँ कि इन मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी। बाकी आम आदमी पार्टी का बिजली आंदोलन जारी है, हमने करीबन 7,500 गाँव के अंदर, वार्डों के अंदर बिजली आंदोलन के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का काम किया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ सत्ता में आई है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, हमने वहाँ पर 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने का काम किया है। हमने बिना कट के 24 घंटे बिजली दी है और फ्री में बिजली दी है। और एक एक घर का करीबन अगर सालाना हम देखें तो 18 से लेकर के 20-25 हज़ार तक रुपये का कम से कम जो है वो बचत होती है केवल बिजली की। तो गढ़वाएं, लड़वाएं, हरियाणा को जलवाएं, अभी नू का जो दंगा है वो भी इन्हीं लोगों ने मिलकर के करवाया है। तो राक्षस कोई ऐसा नहीं होता है कि जिसके दो लंबे लंबे दांत होंगे, दो लंबे लंबे सिंह होंगे, वो कुरूप होगा, वही राक्षस होगा। राक्षस तो कोई भी हो सकता है। इन्हीं में से जो है, जो बड़े बड़े नाम लेकर के बैठे हुए हैं लेकिन दर्शन छोटे हैं, अंदर से खोखले हैं, उन्हीं लोगों को हम कह रहे हैं।